नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम इन बीसीएन की खास पेशकश पर। और मैं हूं रत्नाकर, मेरे साथ में इमरान। इमरान, स्वागत है आपका। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार सर, आज हम वही विषय जो विषय एक ही आपको विषय जो है जो जी दुनिया भर में चल रहा है, कोरोना। इस विषय, इस महामारी को लेकर पूरा विश्व, पूरा देश, नागपुर से लेकर तो हम सब उससे परेशान हैं। जी आंकड़े कुछ गति से बदल रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, तो कहीं कुछ जगह पर राहत भी हमको देखने को मिल रही जी है। हाँ भैया, बिल्कुल। नागपुर के लिए एक बड़ी राहत, फिर से एक बार बता दूँ, पहले इससे पहले भी जो एक परिवार था खामला का, जी चार का परिवार था, वो कोरोना मुक्त हुआ था। उसके पहले भी दो जन जो थे कोरोना पीड़ित, वो भी मुक्त हुए थे। और कल एक बहुत अच्छी खबर आई कि मंगलवार को शाम तीन पेशेंट, एक जरीपटका निवासी एक परिवार था, तीन पेशेंट कोरोना मुक्त हो चुके, और कोरोना मुक्त का आंकड़ा 11 हो चुका। जी हाँ, नागपुर में जहाँ एक और आंकड़े निरंतर बढ़ते हुए, 2 दिनों में आंकड़े निरंतर बढ़ रहे थे, लगभग 56 का आंकड़ा जो है जी नागपुर का टैली है। इसमें से 11 लोग जो है वो अपने घर जा चुके हैं दुरुस्त होकर। तो ये एक अच्छी बात भी, एक पॉजिटिव बात जो तो है ये नागपुर मानी वासियों के जाएगी। लिए होनी चाहिए। और जितने पेशेंट बचे हुए हैं वो भी जो है एक स्टेबल कंडीशन में है, मतलब उनके जी रिकवरी के चांसेस जो है एक अच्छे माहौल में, उनको ट्रीटमेंट की जा रही है। एक व्यक्ति जो है मतलब बदकिस्मती से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है नागपुर में, जो कि कोरोनाग्रस्त पाए गए थे। जी हाँ जी हाँ, उनकी डेट का विषय ये भी हो सकता है कि उनकी डेट, उनकी एज जो लिमिट थी वो एज भी थी और वो काफी पहले ज्यादा से थी। भी जो है किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित भी थे, वो जो व्यक्ति जी जो हाँ, किए और थे। बिल्कुल। और प्रशासन को उनके डेट के बाद पता चला, शायद अगर पहले पता चलता तो शायद कुछ। शायद काउंटर मेजर्स और पहले किए जा सकते थे। देश के हालात की हम बात करें तो देश में भी लगभग 11,500 तक का आंकड़ा पहुंच गया जी है, हाँ और देश में, पूरे भारत देश में 370 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। वहीं 1,305 के ऊपर में लोग जो है रिकवर भी हुए हैं। जी हाँ, और महाराष्ट्र की बात करें तो 2,700 से ज़्यादा लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। और मुंबई की बात करें, मुंबई में 1,700 लोगों कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं। ये एक चिंता का विषय है महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र पूरे जो भारत के पूरे राज्यों में, जी महाराष्ट्र में मुंबई एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है कोरोनाग्रस्तों का आंकड़ा जो है काफी तादाद में। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि मुंबई जो है पूरे देश की एक कमर्शियल राजधानी भी है, जी जी काफी उथल पुथल भी वहां पर होती है। विदेश से आए हुए लोगों का जो है जमावड़ा भी मुंबई में ज्यादातर देखा जाता है। जी हाँ, और एक दूसरी बात ये भी है, कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, जी हमारे मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा टेस्ट भी महाराष्ट्र में ज्यादा हुई है। हाँ जी, बिल्कुल आपने जी सही हाँ कहा इमरान, कि जहाँ उद्धव ठाकरे जी ने जो एक अपना एड्रेस किया था पूरे महाराष्ट्र को, नागपुर उसमें में। उन्होंने ये बात जरूर कही थी। आज मैं आपको बता दूं इमरान, कि जिलाधिकारी नागपुर के जो है रविंद्र ठाकरे जी, इन्होंने भी संबोधित किया, उन्होंने भी नागरिकों के कुछ सवालों के जवाब दिए। उसमें से सबसे अहम सवाल ये भी था कि क्या तादाद में टेस्टिंग्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और कितना इसके लिए समय लग रहा है। तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया था कि नागपुर में चार जगह पे जो है, तीन जगह पे जो है टेस्टिंग्स हो रही हैं। जी एक आईजीएमसी में हो रही है, मेयो हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में, और एम्स में हो रहे हैं। जी हाँ तो उसमें से मेयो हॉस्पिटल में 2 मशीनरीज हैं, मेयो में माफ कीजिएगा, मेडिकल में एक, मेडिकल हॉस्पिटल में एक, और एम्स में एक मशीन है। चूंकि बताते वक्त उन्होंने कहा कि एक टेस्ट को लगभग 5 से 5.5 घंटों का समय लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो एक देरी जो है वो अपेक्षित है, क्योंकि इसको कंफर्म रिकन्फर्म करना इस टेस्ट को बहुत अनिवार्य हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। और बार बार कलेक्टर जी बोलो या फिर बाकी पूरा प्रशासन लोगों को ये कह रहा है, जैसे रिकवर का संख्या जो आप देख चुके हैं, नागपुर में 11 पहुंच चुका है, तो जो भी है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर अगर वो बिल्कुल सामने आकर अगर बताएंगे प्रशासन को, अगर उनका चेकअप हो जाए तो सही समय पर रिकवर भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और शुरुआत से लेकर जो आपके सवाल के जवाब में मैं ये जी भी कहूंगा कि 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बड़ा पीछे का कारण भी यही है कि सबसे अहम, अगर हमको ये कोरोना का संक्रमण या कोविड-19 को रोकना है, तो इस चेन को तोड़ने के लिए हमें एक दूसरे से अलग रहना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जी मैं फिर से उस बात पर जाता हूँ कि जिलाधिकारी जी को एक महिला ने प्रश्न पूछा था कि उनके पिता जो है वो पूना में रहते हैं और उनको यहाँ पर लाने की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या। तब उन्होंने बहुत ही सक्षम जवाब दिया कि इस वक्त ये जरूरी है आपकी सेहत के लिए और उनकी सेहत के लिए। पूना जैसी जगह से नागपुर आना ना प्रशासन तय कर पाएगा, ना आप तय कर पाएंगे कि क्या पैरामीटर होगा। एक तो ट्रैवलिंग प्लस उसकी हिस्ट्री क्या होती है, और एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ लाने में क्या तकलीफें जाएगी, और उससे संक्रमण का धोखा भी काफ़ी बढ़ता है। जी हाँ प्लस बिल्कुल।
आज आपके पास में इतने संसाधन मौजूद है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कई तरीके से आप लाइव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जहाँ रहें वही सुरक्षित रहे। मैं इस वक्त इस बातचीत में उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता था बांद्रा का, लेकिन कर लेता हूँ। एक साथ इतने लोगों का एक साथ जमा होना कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हो सकता है। सारी व्यवस्था जो है प्रशासन ने करी हुई है, तो कृपा करके इस घटना से हम बोध ले कि कहीं भी बाहर ना निकले, एक साथ जमा होने की कोशिश ना करें। हम भी जब स्टूडियो आते हैं, और ये हमारे हम यहाँ पर भी इसलिए आते हैं कि हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुँचाएं, लेकिन देखा गया है कि रास्तों पर लोग आज भी बेवजह भटक रहे हैं, और एक आवागमन जो है कहीं ना कहीं रोकना अनिवार्य होगा अगर हमें जल्दी से एक लॉकडाउन को खत्म करना है। जी हाँ, अपनी साथ साथ देश के पूरे नागरिकों की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का सही उपयोग करें, घर से बाहर ना निकले बेवजह। अगर निकलना भी है आपको तो बिना काम के बिल्कुल ना निकले। इमरजेंसी काम है तो आप मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करें। जी बिल्कुल जरूरी है। देखिए, आपको सब्जी लेना बहुत जरूरी है, आपको घर रोजमर्रा की चीजों को लेने के लिए घर से बाहर निकलना, जहां तक हो सके आप ऑनलाइन इसकी खरीदारी कर सकते हैं, इसकी सुविधा भी प्रशासन ने की हुई है। लेकिन जहां आपको अनिवार्य हो जाता है तो वहां पर जहां भी आप जाए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको जरूर रखना है। एक अहम सवाल फिर से मैं बताना चाहूंगा जो पूछा गया था जिलाधिकारी जी को, कि कूलर्स को लेके, कूलर्स को चालू किया जाए या नहीं किया जाए, या इसको लेके काफी रूमर्स भी फैले हुए थे कि जो प्रशासन के लोग हैं कि कूलर्स को जब्त करने के लिए घर तक आ रहे हैं, ये बिल्कुल अफवाह है। कोई भी प्रशासन का आदमी आपके घर तक कूलर्स को जब्त करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि प्रशासन ने कूलर्स को चालू रखने के लिए या कूलर्स के रिपेयरिंग और उसको सेल करने के लिए जो एक आवेदन गया था उसको हरी झंडी दे दी है। आप अपने घरों में कूलर्स का इस्तेमाल बिन दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने पड़ेंगे। कूलर्स में कोई भी पानी जमा ना हो जिसकी वजह से मच्छर या अन्य कीटाणु वहाँ पर ना जमा हो, इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है इमरान, काफ़ी हद तक टेम्परेचर बढ़ रहा है और कूलर्स की आवश्यकता तो सबको पड़ेगी, लेकिन जिस चीज़ का भी हम इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल करते वक्त हाइजीन का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। और ये जैसे आपने कहा था कूलर्स की जो अफवाह छूट रही थी, जी अफवाहों का बाजार बिल्कुल सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, मगर अफवाह फैलाने वाले लोग सावधान हो जाइए, आपके खिलाफ FIR हो रही है। बिल्कुल जी। और जितने भी ग्रुप्स एडमिन्स है, जो भी ग्रुप में आप होंगे, ग्रुप एडमिन्स से हम लोग फिर से एक बार दरख्वास्त करेंगे कि व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं आप उसकी सेटिंग जो है एडमिन एक्टिवेशन में डाल दीजिए, ताकि कोई भी गलती से भी इधर का मैसेज जो अनवांटेड जो मैसेज है या जो समाज मन की भावनाएं भड़का सकता है या COVID-19 या कोरोना के विषय में कोई भी गलत जानकारी दे सकता है, ऐसी कोई भी जानकारी आप लोगों तक ना पहुँचाए, ये आपका कर्तव्य। हाँ, अच्छी जानकारी है कुछ जन जागृति के, अगर उसमें कुछ प्रावधान है तो आप ऐसी जानकारी जरूर साझा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके जब तक ये हम इस दौर से गुजर नहीं जाते तब तक जो है व्हाट्सएप के ग्रुप की सेटिंग जो है आप एडमिन सेटिंग अगर करें तो ये एक एडवाइस, अच्छा एडवाइस रहेगा। जी हाँ, और महानगर पालिका की ओर से कई लोगों को सुविधा दी गई है ऑनलाइन सब्जी मार्केट जी और किराना की, और कई नंबर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे जी की तरफ से भी सोशल मीडिया में वायरल किए गए। बिल्कुल, और इन बीसीएन के माध्यम से भी हम ऐसे नया नंबर जो है हम साझा करते रहेंगे, और जहां से कि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि आपको कहां जाना है, किस ऑनलाइन नंबर्स पर आपको ये जो सुविधा है जो उपलब्ध हो सकेगी। इन बीसीएन सिर्फ आप अपने टीवी सेट पर ही नहीं, आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी हाँ, और हमने पिछली बार एक कॉम्पिटिशन शुरू किया गया था बच्चों का, बच्चों का, बड़ों का, आप घर पे ही रहें, घर पे रहें, और हम आपकी घर में जो आपकी की हुई एक्टिविटी, जो भी चुलबुली हरकतें आप भी करते हैं उसको बीसीएन के माध्यम से साझा कीजिए। और अच्छा, हम दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि काफी अच्छा प्रतिसाद भी मिला है, हमने वो वीडियोस चैनल्स के माध्यम से दिखाए भी हैं, ऐसे वीडियोस आप फिर से हमारे पास में भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट आप जरूर कर लीजिए, 9130005662। इस नंबर पर आप अपने वीडियोज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आप घर में रहिए, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में चुलबुले वीडियो बनाइए, अच्छा खासा समय बिताइए, और हम उसको हमारे टीवी चैनल के माध्यम से आपको फिर से दिखाएंगे, काफी लोग भी इसको देख सकेंगे। मजे लीजिए, इस दौर को भी पॉजिटिवली लीजिए, और इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है घर में रहने की। एक और चीज जो है हम हमारे दर्शकों के लिए, खास करके उन दर्शकों के लिए जिनको डांस मस्ती का शौक है, उनके लिए एक पेशकश जरूर लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे इमरान इस बारे में? जी हाँ बिल्कुल, जो भी अब कलाकार हैं डांस के प्रति, जिनके
जो अभी घर पे बैठे हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या करें। जी हाँ, हम एक कंपटीशन लेके आ रहे हैं। जी डांस ही डांस का नाम सुना होगा आपने, पिछले 2 सीजन काफी लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। जी तो सीजन 3 हम इसे ऑनलाइन करने वाले हैं, लॉकडाउन स्पेशल। लॉकडाउन स्पेशल डांस डांस हम दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ये 3 चरणों में चलेगा। जी इसका एक ऑडिशन राउंड होगा जिसमें कुछ वीडियोस आएंगे आपकी तरफ से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, उसके बाद हम कुछ सिलेक्ट करेंगे ऑडिशन राउंड में, वो प्रसारित हमारे चैनल पे NBCN न्यूज़ के माध्यम से आप चैनल नंबर 746 में देख सकते हो। फेसबुक में NBCN न्यूज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में NBCN कर सकते हो, www.nbcn.in पे लाइव चैनल देख सकते हो, यानी ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन रहेगा ये। जी आप भारत वर्ष के, कोई आपको एरिया का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको अपने डांस के जो वीडियोस है नंबर पर अपलोड करने हैं, नंबर फिर वही रहेगा 9130005662। इसकी रूपरेखा और इसके प्रोमो जो है जल्द ही आपको चैनल के माध्यम से देखने को जरूर मिल जाएंगे। जी हाँ, ये लॉकडाउन में हम एक कंपटीशन अरेंज किए हैं, इसमें हर किस्म के हमने कैटेगरीज दिए, बच्चों के लिए एक अलग कैटेगरीज दिए, बड़ों के लिए और मम्मियों के लिए खास तौर पे मम्मी स्पेशल, मम्मी स्पेशल जो है। जी हाँ, लेकिन देखिए कि BCN के माध्यम से हम अपने दर्शकों का सा अच्छा खासा मनोरंजन का मौका भी दे रहे हैं, जिसमें आप खुद अपने हीरो या हीरोइन बन सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, आप घर पे ही रहें और घर पे ही वीडियो बनाएं। हाँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपको और एक बार ये देना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये वीडियो आपके घर पे ही बनने चाहिए, घर के अंदर में बनने चाहिए, कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस प्लेस पे जाकर प्लेस पर जाकर आप इसका वीडियोग्राफी ना करें। आपके घर में बहुत मस्ती कीजिए, धूम धड़ाके से आप नाचिए, अपना खुद का सोलो या ग्रुप वीडियो भी आप डाल, ग्रुप वीडियो हम अवॉइड करेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आएगा। ये आपका सोलो डांस परफॉर्मेंस रहेगा, मोबाइल आपके घर के किसी भी व्यक्ति को बोलिए, एक मैं आपको एक इसका आड़ा मोबाइल कीजिए, मोबाइल ऐसा रहना चाहिए, इस तरह से मोबाइल का शूट होना चाहिए और वो वीडियो एक ही टेक में रहना चाहिए और वो वीडियो हमें 1 मिनट का, वीडियो की एक लिमिट है, एक मिनट 60 सेकंड्स के बीच में ही आपका वीडियो ऑडिशन वीडियो सेकंड का ऑडिशन वीडियो आपको भेजना है। कुछ इन चीज़ों का आप जरूर ख्याल रखिए, हम इसके प्रोमोज भी हमारे दर्शकों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। इस बीच लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग और हमें इस लॉकडाउन का सम्मान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 मई तक इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो इस 3 मई तक हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां चुस्त दुरुस्त तरीके से निभा रहा है, पुलिस प्रशासन प्लस मेडिकल की जो एड है, मेडिकल में जितने भी कर्मचारी है अपने घरों से दूर रहकर, अपने बाल बच्चों से दूर रहकर हमारी सेवा के लिए लगे हुए, तो उनका सम्मान कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने घर जाना है, उन्हें भी अपने परिवार के साथ में रहना है। अगर हम उन हमारे दोस्तों को अपने घर में भेजना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आज हमें अपने घरों में अपने आप को रखना पड़ेगा। लॉकडाउन ये कहीं भी कैद नहीं है, ये हमारे लिए लॉकअप नहीं है, हमारे लिए अपने आप के आत्म परीक्षण के लिए किया गया एक अच्छा मौका है, उसे कीजिए। एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं, NBCN के माध्यम से भी आप अपना एंटरटेन कर सकते हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ में बने रहिए NBCN न्यूज़ पर।